एक समय पर भारत के सबसे अच्छे ऑलराउंडर कहे जाने वाले इरफान पठान अब फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं। इरफान किसी हिंदी नहीं बल्कि एक तमिल फिल्म से डेब्यू करेंगे। इस फिल्म की घोषणा इरफान के 36वें जन्मदिन पर हुई है और फिल्म से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। फिल्म के पोस्टर में इरफान का लुक जबरदस्त लग रहा है। वैसे इरफान से पहले भी कई क्रिकेटर फिल्मों में आ चुके हैं। इस तमिल फिल्म का नाम कोबरा होगा और इसमें इरफान पठान का नाम असलान इमलाज होगा और वो इसमें एक फ्रेंच इंटरपोल अधिकारी की भूमिका में होंगे। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इस फिल्म में तमिल सुपरस्टार चियान विक्रम भी होंगे। इससे पता चलता है कि लीड रोल में विक्रम ही होंगे जबकि इरफान का रोल छोटा होगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक चियान विक्रम इस फिल्म में शायद एक भारतीय जासूस की भूमिका निभा रहे हैं और कई अलग अलग लुक्स में दिखाई देंगे। अभी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसमें KS रवि कुमार, श्रीनिधि शेट्टी जैसे सितारे भी मुख्य भूमिकाओं में होंगे। वहीं इरफान पठान की ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है।